हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, राइट आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वीडियो न्यू ईयर के दस दिन बाद ही आ रही होगी बट स्टिल आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ़ यू गाइस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024 में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे होंगे या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर ली होगी बट उसको एक्सेलरेट करना चाहेंगे राइट right? आई हैवीन माई सेल्फ कोडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम मैंने अपने लाइफ का पहला कोड ईयर टू थाउजेंड एंड फोर्टीन में लिखा था हमारे स्कूल में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता था पाइथन आई वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ पाइथन इन सी बी एस सी एंड सिंस देन आई हैव बीन कोडिंग और अभी मैं एज अ फुल टाइम इंजीनियर काम कर रहा हूँ इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने बहुत सारी कंपनीज के का साथ काम किया है लिंगड इन गूगल आई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू गूगल समर ऑफ कोड विद द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेफिनेटली डिफरेंट मल्टीपल स्टार्टअप टॉप टेन स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया और इस पूरी जर्नी में मैंने अपने कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम में और एज अ फुल टाइम इंजीनियर वर्क करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें सीखी इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अगर मुझे शुरू में पता होती तो आई वुड हैव बीन इवन बेटर और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो थोड़ी सी रियलिस्टिक सेट होगी इस वीडियो में हम लोग एक सही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ ये बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो या फिर एक्सेलरेट कर सकते हो इन ट्वेंटी इस वीडियो में मैं ये नहीं बात करने वाला हूँ जो सारी जेनरिक वीडियोज़ में रहता है कि आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखनी है फिर आपको उसके बाद डी कर लेना चाहिए फिर डेव कर लेना चाहिए जॉब के लिए डी और डेव इंपॉर्टेंट है फिर कुछ प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए सो ऑन एंड सो फोर्थ नहीं मैं हर चीज़ के पीछे ना एक माइंड की बात करूँगा कि अगर कोई चीज़ स्पेसिफिकली करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए क्या चीज़ आपके थॉट प्रोसेस में होनी चाहिए एंड वॉट शुड बी द आउटकम कोई भी चीज़ अगर तुम लाइफ में कर रहे हो ना यार तो एक आउटकम ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए कि इस चीज़ को करने से फाइनल आउटकम क्या आने वाला है so this is going to be something that we are going to talk in this video so stay tuned till the very last and if you enjoy and uh, i would say agree with my pointers do comment down your thoughts on this video and definitely do drop a like on this video it will definitely help us to actually reach to more and more people that being said without any further delay let's just start <laughs> समझना बहुत जरूरत है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आगे चल के मान लो तुम्हारी जॉब लगती है तुम अपना कुछ स्टार्ट करते हो जिसमें तुम एज अ डेवलपर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक्चुअल तुम्हें करना क्या होता है राइट right? देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डी करना है एक लैंग्वेज सीखनी है फिर डीएसए करना है फिर डेव करना है ये करना है वो करना है नहीं इन माई ओपिनियन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू हैव टू गेट टू एबिलिटीज तुम्हारे पास दो एबिलिटी होनी चाहिए पहली

इस एटीट्यूड से ही तुम आगे चलकर एज अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे तुम्हारे अंदर ना एक बिल्डर और ब्रेकिंग वाला एटीट्यूड होना चाहिए बनाते हुए बहुत सारी चीजें फटने वाली हैं या फिर किसी और ने कुछ बनाया हुआ है उस पर तुम्हें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है दिस इज गोइंग टू बी वॉट इज गोइंग टू हैपन इन योर करियर लेटर आगे चल के तुम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तुम अपना कुछ कोई कंपनी स्टार्ट करते हो वहां पे तुम कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करने वाले हो ऐसा भी हो सकता है उस प्रोडक्ट पे किसी और ने बहुत लंबे टाइम तक काम किया हो और उसके ऊपर तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूशन करने हो तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो अप्रोच है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जो बिल्डर वाली अप्रोच है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुमने अगर सब कुछ खुद से स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो तुम्हारे पास एक क्लीन स्लेट होगी उस क्लीन स्लेट के ऊपर तुम्हें सब कुछ बिल्ड करना होगा और अगर तुम्हें किसी और के कोड के ऊपर कंट्रीब्यूट करना पड़ा तो तुम्हारे पास सिचुएशन ये रहेगी कि तुम्हें ना चीजें फिगर आउट करनी होगी तुम्हें अपना काम खत्म करने के लिए अपना काम निकालने के लिए ना सही कोड बेस सही कोड लाइन सही कोड पॉइंटर्स पर जाना होगा तुम्हें फिगर आउट करना होगा ये एटीट्यूड तुम्हें डेवलप करना होगा कि यार तुम ना चीजें फिगर आउट कर पा रहे हो प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर पा रहे हो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिर्फ मतलब डी से नहीं है दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है तुम किसी भी एप्लीकेशन को उठा के देख लो जैसे बुक मैशो बुक मैशो ने क्या सॉल्व करा थिएटर बुकिंग का एक्सपीरियंस इजी कर दिया एक प्रॉब्लम थी थिएटर तक जाकर बुक करना पड़ता था कई लोगों के प्लान बीच में ही ड्रॉप हो जाते थे अब तुम थिएटर जाने से पहले ही टिकट्स को बुक करके जा सकते हो राइट सो ये वाला एटीट्यूड सबसे पहले तुम अपने दिमाग में बिल्ड करो तुम्हारे पास एक विजन होना चाहिए कि यार आज से एक साल बाद दो साल बाद जब भी तुम अपनी कोडिंग जर्नी में एक सही लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम क्या बनाना चाहते हो या फिर तुम किसके लिए काम करना चाहते हो किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल लेट्स ए हॉटस्टार या जियो सिनेमा जैसी ऐप्स तुम्हें बहुत फैसिनेट करती हैं कि कैसे मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सिटिंग ऑन देयर होम आर एबल टू वॉच द लाइव स्ट्रीम मे बी दिस इज समथिंग दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट या फिर कैसे गूगल सर्च पीछे काम करता है या फिर मॉडर्न एप्लीकेशन जो आजकल आई जैसे चैट जीपीटी हाउ चैट जीपीटी वर्कस कैसे वो इतने एक्यूरेटली सारी चीज़ों का आंसर करता है यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर हंगर यार अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं होगा ना तुम्हें तो पता नहीं होगा कि यार वॉर किस चीज़ की है तो तुम क्या लड़ोगे तुम्हें अगर पता ही नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है किस चीज़ पे तुम काम करोगे कैसे काम करोगे तो तुम्हारे कितनी भी डीएसए करने का कितने भी डेव करने का कोई फायदा नहीं है सो आई बिलीव द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट अ गोल कि यार आगे चल के ना मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ मैं इस टाइप की एप्लीकेशन या तो खुद बनाऊंगा या फिर इस टाइप के एप्लीकेशन के ऊपर काम करूंगा दिस शुड बी टेक्निकली योर फर्स्ट स्टेप अब देखो यार एक बारी तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम क्या बनाना चाहते हो या आगे जाके किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हो उसके बाद अब तुम्हें ना अपने फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देना है राइट अब फंडामेंटल के ऊपर ध्यान देने का मतलब है कोडिंग किसी भी तुम चीज़ की कर रहे हो मोस्टली हर चीज़ के पीछे तुम्हें कंप्यूटर को कुछ समझाना है उसके लिए तुम्हें चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब मेरे हिसाब से ना ये डिबेट बहुत ज़्यादा लंबी चल सकती है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें पिक करनी चाहिए एज अ फ्रेशर ठीक है टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करा हर लैंग्वेज के अपने प्रोज हैं हर लैंग्वेज के अपने कॉन्स हैं ठीक है तुम्हें मेरे हिसाब से चीज़ों को इस तरीके से पिक करना चाहिए कि तुम आगे किस तरह की फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो क्या तुम्हें ए आई एम एल वाली चीज़ें ज्यादा एक्साइट करती हैं या फिर तुम्हें मोबाइल डेवलपमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा एक्साइट करती हैं इस हिसाब से तुम्हें सोचना चाहिए राइट और एक बारी तुमने सोच लिया ना तो मैं तुम्हें चार ऑप्शन देता हूँ पाइथन जावा स्क्रिप्ट सी प्लस प्लस जावा इन चारों में से ना तुम कुछ भी पिक कर सकते हो टू बी वेरी ऑनेस्ट मोस्टली आपस में इंटरचेंजेबल है किसी भी स्टैक पे तुम जाना चाहो कोई भी तरह की टेक्नोलॉजी भी तुम काम करना चाहो मोस्टली से कर पाओगे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कई लोग सजेशन देंगे अच्छा तुम्हें मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है तो जावा कर लो जावा से तुम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर पाओगे दिस दैट दिस दैट जरूरी ऐसा नहीं है कि तुम C++ से वो नहीं कर सकते अगर तुम Adobe के इंजीनियर से बात करोगे तो Adobe के इंजीनियर बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेश्न पे काम करते हैं जिसमें उन्हें C++ में भी कोड करना पड़ सकता है राइट तुम्हें तो काफी लोग ये सजेशन देंगे अच्छा तुम्हें वेब डेवलपमेंट में जाना है तो जवास्क्रिप्ट शुड भी दो ओनली थिंग थोड़ा टाइम बाद तुम्हें अपने आप रियलाइज होगा कि यार सिर्फ जवाब से पूरा वेब नहीं बनाए बहुत सारी कंपनीज बैक एंड में जावा भी यूज कर रही है सी प्लस प्लस कर रही होती है पाथन यूज कर रही होती है राइट तो एट दी एंड ये डिस्कशन में फंसने का कोई पॉइंट नहीं है आई बिलीव तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा रहना चाहिए जो कम से कम फ्रिक्शन मेरे हिसाब से कम से कम फ्रिक्शन जिस लैंग्वेज में रहेगी वो रहेगी तुम्हारे पास या तो या तो पाइथन में फिर जावा में अब कई लोग मेरे से यहाँ पे डिबेट कर सकते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट में भी तो कम फ्रिक्शन है मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट को अगर तुम बहुत इन इनडेप समझने की कोशिश करोगे तो वो बाकी लैंग्वेजेस से ना थोड़ा कम रेजोनेट करती है राइट तुम एक चीज रियलाइज करोगे कि सी प्लस प्लस पाइथन जावा इनमें आपस में ना 50 टू 60 परसेंट कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है लेकिन जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट बाकियों से हार्डली 10 20 परसेंट सिमिलर होते हैं राइट जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है किस तरीके से पूरा फ्लो चलता है इसमें ना बहुत सारे कॉर्नर केसेस बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो आई बिलीव अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तुम पाइथन या जावा से स्टार्ट कर सकते हो राइट C++ से स्टार्ट करना भी एक बड़ी ऑप्शन हो सकता है बट C++ प्लस है ना इनिशियल फ्रिक्शन थोड़ा सा बच्चों को रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना उतनी वर्बोज नहीं उतनी इंग्लिश ओरिएंटेड मुझे तो अटली सी प्लस प्लस नहीं लगती है ऑलदो सी प्लस प्लस इज वन ऑफ माई फेवरेट लैंग्वेजेस बट अगर तुम्हें कम से कम फ्रिक्शन के साथ स्टार्ट करना है कि यार मतलब मैं जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर पाऊँ मेरे हिसाब से पाइथन या जावा में से कुछ पिक कर लो ठीक है तुम अगेन जैसे कि मैंने कहा बची हुई दो लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट भी पिक कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है अब तुम्हें तो मिलेगा कि अच्छा क्या पिक करें सर आपकी बात से तो कुछ कंक्लूड नहीं हुआ मैं ये कहूँगा कि तुम खुद से कंक्लूड करो इंटरनेट पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो तुम्हें एक से दो घंटे में ना एक स्टार्टर पैक टाइप दे रही होंगी जिसमें तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकते हो तुम देखो बैठ के वो दो दो घंटे की वीडियोज चारों लैंग्वेजेस की देखो जिसका सिंटैक्स तुम्हें सबसे ज्यादा जल्दी क्लिक कर रहा है ना तुम वो पिक कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है जिस भी तुम लैंग्वेज को पिक करोगे ना आगे चल के उसमें डेफिनेटली फ्यूचर एग्जिस्ट करेगा राइट right? तुम देखो थोड़ा एफर्ट मारो ना किसी और का सजेशन हो सकता है तुम्हारे लिए बेस्ट पॉसिबल केस ना हो तो क्यों ना तुम दो दो घंटे सारी सारी वीडियोस देखो और एक टाइम तो मेरे होगा कि मोस्टली कंसेप्ट सिमिलर भी है और किसी का सेंटेक्स तुम्हें ज्यादा हिट करेगा राइट right? एक रीजन है कि यार स्कूल सीबीएसई uh, में एटलीस्ट मेरे टाइम पे पाइथन इंट्रोड्यूस कर दी गई थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल पाइथन का सेंटैक्स थोड़ा सा समझना आसान है तो मे बी तुम्हें पाइथन का सेंटैक्स समझना थोड़ा ज्यादा आसान लगे राइट सो पिक वन ऑफ द लैंग्वेजेस तुम अपनी खुद की रिसर्च करो पिक करो ये प्रोसेस अगर कोई तुम्हारे लिए कर देगा ना तो हो सकता है तो दूसरी लैंग्वेज में तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा बनता वो तुम मिस कर जाओगे हर एक चीज तुम्हें खुद से करनी है जब जॉब में जाओगे जॉब में हर चीज़ खुद पढ़नी पड़ेगी तो क्यों ना शुरू से ही वो हैबिट बनाई जाए तुम चारों लैंग्वेजेस के कोई छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स देखो जो तुम्हें सबसे सही लग रही है जिसमें से लग रहा है कि हाँ यार ये वाली चीज मुझे बढ़िया लग रही है उसको पिक करो एंड स्टार्ट लर्निंग इट इन डेप्थ कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो तुम पकड़ने वाले हो जावा स्क्रिप्ट पकड़ लो जावा पकड़ लो सी प्लस प्लस पकड़ लो पाइथन पकड़ लो उसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ो ठीक है लगाओ आराम से एक महीना दो महीना लगाओ कोई जल्दीबाजी नहीं है कोई ट्रेन नहीं छूट रही जितनी ट्रेन छूटनी थी ना वो छूट चुकी है मान लो कुछ बच्चे होंगे जो थर्ड ईयर में होंगे उन्हें कहे वो कहेंगे यार हमारी तो अगले साल प्लेसमेंट आनी है देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ अगले साल प्लेसमेंट आनी है ठीक है जो तुमने दो से तीन साल में नहीं उखाड़ा ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे एक महीने और किसी चीज़ की रिसर्च में लग जाएंगे तो तुम्हारे लाइफ में कुछ बहुत चेंज होने वाला है राइट बेटर रहेगा कि हाँ कोई चीज़ लेट अगर तुम ऑलरेडी हो तुम्हारे पास लेट ही आने वाली है तो वो बढ़िया तरीके से आए राइट तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अपनी ग्रिप बनाओ ग्रिप बनाने से मेरा क्या मतलब है यार जब तुम फाइनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे ना तुम दस लोगों की टीम में काम करोगे तुम्हारा एक ही काम होगा क्या जिस भी प्रोडक्ट पे तुम काम कर रहे हो उसका कोई फीचर लिखना होगा फीचर कैसा होगा कि भाई कुछ ना कुछ कोई टास्क एग्जीक्यूट करना होगा यूजर को कोई चीज़ शो करनी होगी कोई चीज़ सेव करनी होगी कुछ ना कुछ तुम्हारे पास एक टास्क होगा उस टास्क के कुछ स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स को तुम्हें कोड में लिखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर वन लाइन में तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारे लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करने की एबिलिटी ही है इस चीज़ को तुम जितना ज़्यादा मास्टर करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है राइट

मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा कि क्यों डी करना भी इंपॉर्टेंट है राइट एंड क्यों प्रोजेक्ट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है बट आई वुड डेफिनेटली कि यार तुम सबसे पहले ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ग्रिप बनाओ तुम्हें कोड देख के ना डर ना लगे कि ये क्या लिखा हुआ है कोड देख के ऐसा ना लगे कि यार ये क्या लिखा हो सकता है तुम्हें कोड एटलीस्ट समझ में आए किसी भी लैंग्वेज का हो एक टाइम बाद तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी खुद आ जाएगी यार मोस्टली लैंग्वेजेस का कोड सिंटैक्टिकली तो सिमिलर सा है तो शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा दिस शुड बी आइडियली योर फर्स्ट स्टेप जिसमें तुम्हें जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन का टाइम लगाओ जितना ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च करो ना उतना तुम्हारे लिए बेटर है एक बार ही तुम अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट कर लो ना उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारे कंप्यूटर के साथ ही जाने वाला है तुम्हें अपने कंप्यूटर को अपनी हाईएस्ट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए सेटअप करना होगा जो भी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक कर रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फ्री आईडीज या टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल हैं उनको डालो उसकी जो भी बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंशन हैं जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को मैक्स आउट कर सकती हैं उनको इंस्टॉल करो आजकल बहुत सारे ए टूल्स हैं तुम्हें बहुत सारे ए आई टूल्स है उन सबकी रिकमेंडेशन मिल जाएंगी आई वुड रेकमेंड कि अगर तुम ऑलरेडी मैक या लिनक्स यूज करते हो तब तो गुड टू गो है अगर तुम विंडोज़ यूज करते हो तो या तो लिनक्स पे माइग्रेट कर सकते हो या फिर आजकल तो विंडोज ने अपनी डेवलपर प्रोडक्टिविटी बहुत हाई कर ली है तो विंडोज में डब्ल्यू एस एल करता है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स तुम उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हो ये मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन से कह रहा हूँ क्योंकि एक मेजर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स पे ही काम कर रही होती है तुम जब डिप्लॉयमेंट्स कर रहे होगे तो दर इज अ वेरी हाई लाइकली चांस कि तुम लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स पे ही डिप्लॉयमेंट कर रहे होगे तुम्हारी मान लो जिस भी तुम स्टार्टअप में या कंपनी में जाते हो मान लो वो डब्ल्यू डब्ल्यू पे डिप्लॉयमेंट कर दिए तो वहाँ पे जो मशीन वो रेंट पे ले रहे होंगे दर इज अ हाईली लाइकली चांस कि वो एक लिनक्स मशीन हो रही होगी तो लिनक्स का ना एक्सपोजर होना चाहिए और अगेन अगेन किसी डिबेट में तुम्हें नहीं फंसना है तुम्हें विंडोज का ही एक्सपीरियंस बढ़िया लगता है तुम्हारी स्टार्टिंग जर्नी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम विंडोज से स्टार्ट कर लो या लिनक्स से स्टार्ट कर लो बट एक चीज से जरूर फर्क पड़ेगा क्या है वो सी एल कमांड लाइन इंटरफेसिस यार तुम विंडोज पे काम करना चाहते हो ठीक है लिनक्स पे काम करना चाहते हो ठीक है

ये सारी चीजें तुम्हें सीएल इंटरफेसेस से आनी चाहिए क्यों आनी चाहिए क्योंकि आगे चल के ऐसे सिचुएशंस तुम्हारे पास एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रही होंगी जब तुम्हारे पास कोई जीवाई इंटरक्शन नहीं होगा और तुम्हें सिर्फ CLI interaction के बेसिस पे ही अपना काम चलाना पड़ेगा राइट मैं अपने गूगल अपने सारे एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं मतलब हर हफ्ते तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी जब तुम्हें किसी और सिस्टम में वायर टर्मिनल ही सारा का सारा काम करना पड़ेगा राइट तो तुम विंडोज में हो तो विंडोज के टर्मिनल कमांड्स एक्सप्लोर करो लिनक्स पे काम कर रहे हो तो लिनक्स की टर्मिनल कमांड एक्सप्लोर करो और करना बहुत आसान है तुम जा YouTube पे और बस सर्च करो टॉप विंडोज विंडोज टर्मिनल कमांड या पावर शेल कमांड या टर्मिनल कमांड्स 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 या या टॉप टॉप लिनक्स वो तुम्हें वीडियो में बताएंगे उनको ट्राई करो एग्जीक्यूट करना कि अच्छा ये इस तरीके से हो रहा है इससे क्या होगा तुम्हें कंप्यूटर पे ना कंट्रोल समझ में आएगा कि, कि किस तरीके से कंप्यूटर तुम्हारे एक्चुअल कंट्रोल में एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ जी ओ इंटरफेसेस से नहीं कई बच्चे होते हैं जो टॉपिक्स जैसे गिट उनको भी एप्सोलूटली जी से ही कंट्रोल कर रहे होते हैं मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब आएगी ना जब तुम्हें टर्नल से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होगा तब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपने सी एल इंटरफेसेस पे और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम तुम काम करो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल्स पर ध्यान दो उस पर अपनी ग्रिप बनाओ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए आधा टाइम तुम्हें तीन चार फाइलें बनाकर उसमें कोड स्टार्ट करने में नहीं लगना चाहिए अगर तुम्हें ऑलरेडी तीस चालीस दिन हो चुके हैं तो इस चीज पे भी ध्यान देना शुरू करो बिकॉज हायर द प्रोडक्टिविटी बेटर विल बी योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन ओपिनियन अब देखो यार एक बार ही तुम्हारे पास सही तरीके से तुम्हारा सिस्टम सही सेटअप है तुम्हें सिस्टम पे कंट्रोल है तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है अब यहां से ना तुम्हारी एक डेली स्प्रिंट स्टार्ट होती है उसमें तुम्हें क्या करना है तुम्हें कोई ना कोई नई चीज बनानी है और साथ साथ एक एक्सरसाइज करनी है इस एक्सरसाइज का नाम है डी राइट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एलग्रेडम तुम्हें बहुत सारी डिबेट मिलेंगी कि कोई क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एलग्रिदम्स पूछता है जब जॉब में वो काम नहीं करना होता सो ऑन एंड सो फोर्थ मैं इस चीज़ को हंड्रेड एंड वन परसेंट रिजेक्ट कर देना चाहता हूँ कि यार तुम्हें डी का जॉब में कोई काम नहीं पड़ता मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कब डी का जॉब में कोई काम नहीं पड़ता जब तुम एब्सट्रैक्शन पर काम कर रहे हो जैसे बहुत सारे ना टूल्स होते हैं फ्रेमवर्कस होते हैं लाइब्रेरीज होते हैं जो तुम्हारे लिए बन गई हैं उन लाइब्रेरीज का यूज करके उन फ्रेमवर्क का यूज करके तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तब तुम्हें डेफिनेटली डीएसए की यूज नहीं पड़ती है क्यों क्योंकि इंटरनली जिसने भी वो फ्रेमवर्क बनाया जिसने भी वो लाइब्रेरी बनाई उसने जो भी एल्ग्रिथमिक स्टफ था ना वो तुम्हारे लिए कर दिया है अब तुम्हें वो टूल यूज करना है इट्स काइंड ऑफ लाइक कि यार तुम कार चलाते हो कार चलाते टाइम तुम्हें कार के हर इंटरनल मैकेनिक्स के बारे में जानना जरूरी नहीं है तुम्हें बेसिक बताना चाहिए गियर कैसे चलता है क्लच क्या होता है एक्सीटर क्या होता है सोन एंड बट दुनिया में सब लोग कार चलाते थोड़ी हैं कुछ लोग कार बनाते भी है ना जो लोग कार बना रहे हैं उनको तो इंटरनल्स पता होने चाहिए मैं तुम्हें एक बहुत ही टेक्निकल एग्जाम्पल भी देता हूँ तो अगर तुम वेब डेवलपमेंट करोगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट करोगे तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ना तुम्हें एक टर्म समझ में आएगी गेट एलिमेंट बाय आईडी ये ये ब्राउजर में एक तरह का फंक्शन होता है जिसको तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो

तो इस तरीके से मत सॉल्व करो कि अच्छा ये क्वेश्चन है ये कंस्ट्रैंट है ये सॉल्यूशन होगा ये वाला डेटा स्ट्रक्चर लगेगा ये वाला एल्गोरिदम लगेगा नहीं यार ऐसे सोचो कि किसी ने अगर पहली बार सोचा होगा ना किसी ने अगर इसको पहली बार सॉल्व करा होगा

फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड क्वेश्चन ना हर स्टूडेंट के बेल्ट के अंदर है राइट क्यों क्योंकि सबने बस इसी स्ट्रेटजी से सॉल्व किया है कि क्वेश्चन है उसका आंसर है क्वेश्चन है उसका आंसर है कि इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आ गया तो हम बता देंगे बट डीएसए को इस तरीके से ट्रीट मत करो इस तरीके से तुम शायद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लो बट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम चीजों को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे सो कंसिडर इट एज अ डेली एक्सरसाइज राइट कि यार मुझे डेली एक घंटा लगाना है एक नई प्रॉब्लम उठाएंगे उसको भी एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो कि अच्छा हो सकता है जॉब में यही वाली प्रॉब्लम आ रही हो राइट थिंक अबाउट इट लाइक दिस जैसे एक बहुत ही फेमस लीड कोड का क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन होता है कि तुम्हारे पास एक नंबर न्यूमेरिक्स गिवन होते हैं उसको वर्ड में कन्वर्ट करना होता है अब मोस्ट लोग कहेंगे डीएससी की कोई जरूरत नहीं पड़ती बट मैं तुम्हें इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ जब भी तुम किसी को पे करते हो तो तुमने देखा होगा आजकल मशीन्स आ गई हैं जो जो जितने भी पैसे तुमने पे करे हो उसको बोलकर शॉपकीपर को बता देती है अब तुम सोचो तुम एट्टी आई एन आर पे करते हो एट जीरो आई एन आर पे करते हो मशीन में सिस्टम में तो एट जीरो की एंट्री होती है बट वो मशीन

कि यार कोई चीज का अगर तुम्हें लॉजिक गिवन है ना तो तुम उसको कोड में कन्वर्ट कर पाओ एज सिंपल एज दैट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे डेली स्प्रिंट जो चीज मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना डी एस ए कोई डेली स्प्रिंट की तरह कंसिडर करो आधे से एक घंटा दो बहुत ज्यादा भाव देने की भी जरूरत नहीं है बट उसको निग्लेक्ट करने की भी बिल्कुल भी कोशिश मत करना अब देखो यार अब इस पूरी जर्नी में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि तुम यार प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाओ तुम कोई प्रॉब्लम को लेकर उसका एक सोल्यूशन बिल्ड कर पाओ

और इस टीम में अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करो अपने आप को रिस्पॉसिबिलिटी देने की कोशिश करो इसका एक बहुत बढ़िया यूज़ या मैं कहूँ अप्रोच रहेगी कि यार तुम हैकाथन से पार्टिसिपेट करो अब तुम्हें लगेगा कि भैया आपने तो ये बताया ही नहीं कि डेवलपमेंट कैसे सीखनी है क्या चीज़ें करनी है देखो मैं तुम्हें एक बस बात बता सकता हूँ यूट्यूब पर जितने भी लोग इंक्लूडिंग मी जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि सबको हर किसी ने स्टेप बाय स्टेप बताया था और वही स्टेप बाय स्टेप हम लोग तुम्हें बताते रहे नहीं मोस्टली लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने चीज़ों को ना खुद से फिगर आउट करा हैकाथॉन्स में अगर तुम जाओगे ना मान लो अगर तुम ऐसे हैकेथन में जाते हो जब तुम्हें डेवलपमेंट कुछ नहीं आती मैं तुम्हें ये बात गारंटी से कह सकता हूँ मान लो फोर्टी एट आवर्स का हैकाथन है उन फोर्टी एट आवर्स में जितना तुम सीखोगे ना उतना तुम शायद दो महीने में भी नहीं सीखोगे राइट right? क्योंकि तब तुम्हारे पास प्रेशर होगा तब तुम्हारे पास टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने का एक चांस रहेगा और उस चांस को तुम गंवाना नहीं चाहते आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ जिन्होंने किसी हैकाथान में पार्टिसिपेट करा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी थी कि उसी टाइम कुछ नया सीखना पड़ा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा राइट तो सबसे पहले ना टीम बनाओ और टीम बना के ना एक्सप्लोर करना शुरू करो देखो कि तुम्हारे कॉलेज से या तुम्हारी क्लास के बाहर लोग क्या कर रहे हैं कम्युनिटी में क्या चल रहा है वरना तुम इसी नटशेल में छुपे रह जाओगे कि यार अच्छा यूट्यूब पे किसी भैया ने तो बताया था कि नोट जे में डेवलपमेंट कर लेना तो बहुत बेस्ट है तो मैं नोट जे में डेवलपमेंट कर रहा हूँ एक बार ही खुद से बाहर निकल के देखो सौ लोगों से तुम मिलोगे तुम्हें पता लगेगा अच्छा ये बंदा तो ये भी कर रहा है ये बंदा तो ये भी कर रहा है इस बंदे को तो ये भी आता है राइट यहाँ पे भी काम करा जा सकता है और इस तरीके से तुम्हारी नॉलेज ग्रो हो ना तो ज़्यादा बैटर रादर देन कि तुम ट्यूटोरियल हेल्थ में लगे हुए हो तुम्हें किसी ने बोला कि यार ये टेक्नोलॉजी पढ़नी है ये टेक्नोलॉजी तुम पढ़ते चले गए अगर तुम खुद से चीज़ों को फिगर आउट करना सीखोगे दैट वुड बी फार 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 मोर बेटर देन एक्चुअली जस्ट लुकिंग एट यूट्यूब वीडियोज इसके बाद इसके बाद और इसी के साथ अपनी डेवलपमेंट जर्नी शुरू करो मैं इस छोटी सी वीडियो में तुम्हें ये नहीं बता सकता कि किस तरीके से एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट जर्नी तुम अपनी स्टार्ट कर सकते हो बट मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ कि चाहे तुम एआईएमएल पकड़ो चाहे तुम ब्लॉक चेन पकड़ो वेब डेवलपमेंट बैक एंड फ्रंट एंड जो भी तुम्हें करना है तुम करो हमेशा ना एक एजेंडा रखो यार मुझे ये बनाना है अगर तुम्हें मान लो क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं तो अपना गोल एंड गोल रखो मुझे क्रिप्टो करेंसी के एक डोमेन में कुछ बनाना है अब उसको बनाते टाइम जो जो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कहीं बैक एंड सीखना पड़ेगा कभी फ्रंट एंड सीखना पड़ेगा ब्लॉक चेन सीखना पड़ेगा हम सीखेंगे कैसे सीखेंगे यूट्यूब पे देखो एम्पल रिसोर्सेज हैं लोगों ने बढ़िया बढ़िया कोर्सेस बना के डाले अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें स्ट्रक्चर लर्निंग चाहिए कोर्सेज से पढ़ो मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ बहुत सारे बड़े बड़े एडटेक में भी जो लोग पढ़ा रहे होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं से चीजों को लर्न करना पड़ता है उसको लर्न करने के लिए लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो खुद भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं किसी के कोर्सेज रेफर करते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ मैं खुद भी अपनी लर्निंग को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेता हूँ वन ऑफ द एक्साम्पल इस मीडियम का सब्सक्रिप्शन रखता हूँ मैं अपने पास मैं रोज सुबह उठ के मीडियम पर कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे भी खुद सब कुछ पहले से थोड़ी आता है किसी के आर्टिकल्स पढ़ के किसी की ऑलरेडी बनाई हुई कोड को देख के ही हम लोग भी सीख रहे होते हैं तो यू योर सेल्फ ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स कैसे चीजों को ना फिगर आउट करा जा सकता है यहाँ से अपनी डेवलपमेंट जर्नी शुरू करो डेवलपमेंट जर्नी में 99% नाइन परसेंट में दो ही चीजें हो रही होंगी पहली तुम्हारे पास कोई टास्क होगा कोई लॉजिक होगा मान लो किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है उस डेटाबेस से खुद को कनेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास स्टेप्स होंगे उस स्टेप्स को तुम्हें कोड करना आना चाहिए और उसके बाद ये जो भी तुम्हारे पास टूल्स हैं फ्रेमवर्क्स हैं लाइब्रेरीज हैं इनके एक कंपाइलेशन होगा कि यार यहां पे हमने फ्रंट एंड बना लिया ऐसे हमने बैक एंड बना लिया इसको कनेक्ट करा यू आई में ये चीज दिखानी है तो बैक एंड से ये चीज भेजनी होगी यू आई में ये चीज दिखानी है तो बैक एंड से इस तरीके से चीज भेजनी होगी अगर लेटेंसी आ रही है तो थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी सो ऑन एंड सो फोर्थ सो आई बिलीव इस तरीके से तुम अपनी डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करो राइट right? हंगर यार ये चीज फाइनली बनानी है राइट right, इस चीज में आगे जाना है चैट जीबीटी बहुत फैसनेट कर ए आई एम एल में आगे जाना है अब तुम खुद ही ए आएमएल में जब फिगर आउट करोगे ना हाउ टू स्टार्ट ए आई एम एल तुम्हें खुद पता लगेगा अच्छा पाइथन माइट बी द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्टार्ट विद उसके बाद किस तरह की कौन कौन सी लाइब्रेरीज है पाई टॉर्च पढ़ना है किस तरीके से मॉडल्स को ट्रेन करा जाता है स्लोली एंड स्टडीली ना यू विल योर सेल्फ फिगर आउट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है सबको बस एक चीज है कि यार मुझे एक बढ़िया जॉब चाहिए मुझे एक की की जॉब चाहिए एक चीज दिमाग में रखो की फोर्टी फिफ्टी एल पी जॉब जो लोग कर रहे हैं उनको भी बहुत टाइम लगा उस लेवल पे पहुंचने में राइट आई माई सेल स्टार्टेड जब मैंने पहली अपनी इंटर्नशिप करी तो वो काइंड ऑफ लाइक ऑलमोस्ट अनपेड इंटर्न थी बट उसमें मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला राइट इस चीज़ के लिए तुम जैसे कि मैंने कहा हैकाथॉन्स में जा सकते हो या फिर तुम इंटर्नशिप्स कर सकते हो ओपन सोर्स डेवलपमेंट कर सकते हो तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ पे वो तुम्हें ओपन सोर्स डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करनी है कैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं जी सॉक वगैरह में कैसे पार्टिसिपेट करना है इसका भर भर के ज्ञान मिल जाएगा तुम्हें तुम उन्होंने देखो दो से तीन वीडियो देखो और एक्चुअली स्टार्ट करो

दिस विल एक्चुअली हेल्प यू मैं तुम्हें बस ये बता सकता हूँ कोड सिर्फ उसी बंदे का फट रहा होता है जो एक्चुअली कोड लिख रहा होता है राइट right? या फिर जो एक्चुअली कोड एक्सप्लोर कर रहा होता है दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एक्सेल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर राइट right, तुम्हें डेफिनेटली बहुत सारी रोड मैप मैंने खुद भी बहुत सारी रोड मैप की वीडियोस बनाई हुई है वो तुम्हें डेडिकेटेडली मिल जाएंगी कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक कर लो यहाँ से 50 डी के क्वेश्चन बना लो यहाँ से 300 सौ के क्वेश्चन बना लो फिर ये वाले प्रोजेक्ट्स बना लो इसके ऊपर मैं भी और भी बहुत सारी वीडियो बना रहाँगा बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा एजेंडा यही था कि ट्वेंटी में अगर तुम अपने आप को एक्सेलरेट करना चाहते हो या स्टार्ट करना चाहते हो ना तो गोल रखो वॉट डू यू हैव टू बिल्ड वट डू यू सी एज द मोस्ट फैसिनेटिंग एप्लीकेशन मोस्ट फैसिनेटिंग सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड और फिर उसकी तरफ भागो यार ये कैसे बनेगा अगर मुझे खुद से बनाना है और उस जर्नी में द अमाउंट ऑफ लर्निंग यू विल गेट इज गोइंग टू बी इमेंस राइट तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे मैं रा करना चाहूंगा राइट आई होप कि तुम्हें कुछ नई चीजें सीखने को मिली हो एक एटीट्यूड एक माइंडसेट पता लगाओ कि हाँ यार मतलब रादर देन जस्ट फिगर आउट की बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फिर डीएसए करना है फिर डेफ करना है फिर जॉब में अप्लाई करना है रादर देन दैट हैव सम गोल कि यार ये चीज़ मेरे को फाइनली डेवलप करनी है इसी प्रोसेस में तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी तुम्हारी इंटर्नशिप भी लग जाएंगी तुम सारी चीज़ें खुद से फिगर आउट करना शुरू कर दोगे दैट बिंग सेड इस वीडियो को यहीं पर आप अप करते हैं हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज़ में टिल देन टेक केयर गाइज बब बाय इफ यू गाइज इंजॉयड द वीडियो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल विल मीट सोन इन द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज टिल देन टेक केयर बाय आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ